हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम या वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरह से मैं अपने बाइक को टूरिंग के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूँ, या अपने आप के लिए मैं कौन कौन सा टूरिंग के हिसाब से गियर्स खरीद रहा हूँ, राइडिंग गियर्स खरीद रहा हूँ। अब इतना कुछ खरीदा है या इतना कुछ मॉडिफाई किया है तो एक तो टूरिंग तो बनता है। यस, यू गेस इट राइट, मैं बहुत नियर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा टूर पे जाने वाला हूँ। एटलीस्ट 10 से 15 दिन का टूर, 2000 या 2500 किलोमीटर का होगा। उसी के लिए ये सब तैयारी चल रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा मेरे साथ इस टूर पे मेरे पिलियन राइडर कौन है, कौन मेरे पीछे बैठने वाले हैं और कौन मेरे साथ ये पूरा टूर पे घूमने वाले हैं। या दिस इज माई पिलियन राइडर। यस, इस टूर पे मैं सोलो जाने वाला हूँ। अब मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और कब जा रहा हूँ ये आपको बहुत ही जल्द पता चलेगा। टूरिंग के हिसाब से बाइक भी मॉडिफाई हो गया, टूरिंग के हिसाब से पूरा गियर्स भी खरीद लिया। अगर आप 10 दिन का टूर पे जाना है तो बाकी सामान भी लेके जाना पड़ेगा, उसी के लिए ये बैग लिया है। यूजुअली आप जब टूर पे जाते हो या बाइक में जब टूर पे जाते हो, इसमें तीन तरह का बैग का सिस्टम होता है। एक है पैनियर्स, जो बाइक का दो साइड में मेटल बॉक्स लगा हुआ होता है। दूसरा है सैडल बैग, इंस्टेड ऑफ पैनियर्स ये सॉफ्ट लगेज होता है जो बाइक के दोनों तरफ माउंट होता है। तीसरा है टेल बैग जो है, अगर आप सोलो जा रहे हो तभी ये काम में आता है, क्योंकि जहां पिलियन बैठते हैं उस जगह इसको माउंट किया जाता है, उस जगह इस बैग को रखते हैं। इस टूर के लिए मैंने गार्डियन गियर का ये टेल बैग को सेलेक्ट किया। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मैंने इस टूर के लिए यही बैग क्यों खरीदा या इसका क्या क्या बेनिफिट्स है जिसकी वजह से मैंने इस बैग को सेलेक्ट किया। तो ये जो बैग है गार्डियन गियर का 70 लीटर्स का बैग, मैं ये बैग गियर अप स्टोर से खरीदा था। अब ये जो गार्डियन गियर ब्रांड है वो गियर अप स्टोर का खुद का ब्रांड है। गार्डियन गियर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांड, और ये फेमस इसीलिए है क्योंकि ये कस्टमर्स का बात सुनते हैं, ये समझते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए और उनका नीड को फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। इससे पहले आप कुछ सोचे, एक बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ना ही प्रमोशनल वीडियो है ना ही स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये बैग मैंने खुद पैसा दे के खरीदा है और जस्ट आप लोगों का नॉलेज के लिए, आप लोगों का जानकारी के लिए इस बैग का रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलिए अब इस बैग का फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये जो बैग है 70 लीटर्स का बैग है। आई एम नॉट श्योर आपको वीडियो में किस तरह से दिख रहा होगा, पर ट्रस्ट मी बहुत बड़ा बैग है। यूजुअली आप जब पैनियर्स लगाते हो या सैडल बैग लगाते हो, आपका वन साइड 30 लीटर्स या 25 लीटर्स का होता है, तो आपका बोथ साइड मिला के 50 लीटर्स या 60 लीटर्स का होता है, पर ये बैग इंडिपेंडेंटली 70 लीटर्स का है। और इसका बेनिफिट ये है कि आपका पीछे रहता है, इसके वजह से आपका बैलेंसिंग बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आपका बाइक वन साइड टिल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेट, ये बीच में रहता है इसका एंटायर वेट। अगर आप इसका शेप देख रहे हो, एक एम शेप में है, क्योंकि बीच में आपका पिलियन सीट आता है, आप उसको पिलियन सीट पे रखते हो। तो चलिए अब इस बैग का फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इस बैग का पहला फीचर है इसका लुक्स। अब देखिए ये जो साइड है ये आपका बाइक का पीछे रहेगा, दैट मींस पीछे से कोई आ रहा है, आपका पीछे कोई आ रहा है उसको ये व्यू दिखेगा। इसमें इसी रीजन से यहाँ एक रिफ्लेक्टिव टेप दिया गया है, ये और एक नीचे एक छोटा पाइपिंग, दोनों रिफ्लेक्टिव टेप है। मतलब रात में भी आप गाड़ी चला रहे हो और आपका पीछे कोई आ रहा है उसको भी बहुत क्लियरली ये बैग दिख जाएगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा। इस बैग का दूसरा तरफ है कुछ नहीं, अब ये आपका पीठ के तरफ होगा, तो यहाँ एक बहुत अच्छा कुशनिंग दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक रिगिड मटेरियल है, बट यहाँ एक ब्रीदेबल मटेरियल, एक सॉफ्ट कुशनिंग दिया गया है। तो अगर आप चला रहे हो और आपका पीठ दर्द दे रहा है, बहुत लॉन्ग जर्नी जा रहे हो, थोड़ा आप पीछे उसके इसको टेका लेके आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। अब इसका जो मटेरियल है बहुत हार्ड अब्रेशन रेसिस्टेंट मटेरियल है, इसका मतलब ये है कि अगर गॉड फॉरबिड
कुछ छोटा एक्सीडेंट भी हो गया तो ये मटेरियल उतना जल्दी फटेगा नहीं, तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। उतना ही नहीं, ये कहते हैं कि वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं वाटर रेसिस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर बारिश हुआ तो या बेसिक ड्रिजलिंग ये सस्टेन कर लेगा, पानी अंदर नहीं जाएगा, बट अगर बहुत ज्यादा हेवी रेन होता है तो पानी अंदर जाने का चांसेस है। तो इसीलिए उन लोगों ने इस गार्डियन गेट का बैक के साथ एक रेन कवर किया। अब आई अंडरस्टैंड बहुत ही गॉडी कलर है, बट ये जरूरी है, बारिश में चला रहे हो, फॉग है या अंधेरे में चला रहे हो, अगर आप इसको कंप्लीटली कवर करके चलाओगे तो बहुत दूर से पता चल जाएगा सामने कोई चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो बहुत काम का चीज है। साथ में पानी अंदर नहीं जाएगा, अगर एक बार आप इससे कवर कर लोगे तो कितना भी बड़ा आंधी हो तूफान हो आपका बैग सेफ। अब बात करेंगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर, वो है इसका कंपार्टमेंट। एक्सटर्नली तीन कंपार्टमेंट दिया गया है, दो साइड में दो कंपार्टमेंट, ट्रस्ट भी बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारा सामान आपको साइड में ही चले जाएगा। ऊपर एक कंपार्टमेंट दिया गया है, अब ये उतना बड़ा नहीं है, इसमें आप बेसिक आइटम जो आपको क्विकली चाहिए, अगर बैग से पूरा बैग खोलना नहीं चाहते हो उसमें चाहिए, यहाँ आप रख सकते हो, या आपका ग्लव्स कुछ है सब इसमें आप रख सकते हो। इसके सिवा आप इसका अंदर लिड में आपको एक कंपार्टमेंट दिया गया है, एक मेश कंपार्टमेंट है, अगेन इसमें क्या रखना है कैसा करना है भाई, कंपार्टमेंट तो इन लोगों ने भरपूर दिया, अब उसको क्या रखना है, इसमें क्या यूज करना है, किसके लिए रखना है, यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मेन कंपार्टमेंट, आई अंडरस्टैंड इनको ऑरेंज बहुत पसंद है, जहां देखो ऑरेंज ही इनका कलर, बट यस अगेन इंटरनली ये जो मटेरियल है ये कपड़ा नहीं है, एक तरह का अगेन वाटरप्रूफिंग है इसके अंदर, सो इतना जल्दी पानी अंदर नहीं आएगा, जैसे बेसिक ड्रिजल है तो आपका कपड़ा सेफ रहेगा, और इसमें बहुत आइटम ज्यादा है, तो चलिए कुछ आइटम फिल करके देखेंगे इसमें क्या क्या भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट है ये मेरा एक स्लीपिंग बैग है, चलिए इसको आप डायरेक्टली खड़ा कर सकते हो, फॉरगेट अबाउट और कुछ करना, इसको डायरेक्टली इतना बड़ा स्लीपिंग बैग जो है वो डायरेक्टली इसमें साइड में खड़ा हो जाएगा। इसके सिवा तो अदर बैग्स जिसमें अगर आपको कपड़ा लेके जाना है, आपका लैपटॉप बैग, कंप्लीट लैपटॉप बैग को आप इसके अंदर रख सकते हो, क्लियरली इसके अंदर साइड में चला जाएगा, तो बीच में अगर कुछ कपड़ा रखे अगर आप लैपटॉप बैग रखते हो तो वो क्लियर फिटिंग में रहेगा। ये एक सैंपल था, इसमें और जगह है, इतना भरने के बावजूद आपको अंदर बहुत सारा जगह है जहां और आप सामान फिल कर सकते हो, मैं खाली कुछ आपको एग्जांपल के लिए दिया था। ये है इसका टैंक कैपेसिटी या इसका पूरा कैपेसिटी, फिलिंग कैपेसिटी। बैग तो फिल हो गया, अब इसको बाइक पे कैसा माउंट करना है या इसमें बाइक को अगर फिक्स करने के लिए कैसा फिक्स करना है, उसके लिए इन लोगों ने बहुत सारा, ट्रस्ट मी, बहुत सारा ऐसा बांधने के लिए प्रोविजन दिया गया है। चलिए हम इसके स्ट्रैप्स के बारे में जानेंगे। अब ये जो स्ट्रैप्स, पहले इसमें लूप है, इस लूप को आपका जो पिलियन का फुट पे होता है उसमें आप कंप्लीटली इंसर्ट कर सकते हो, या अगर आपके पीछे बाइक में पीछे कोई रॉड है उस रॉड को कुछ इस तरह से डाल के उसको बांध सकते हो, और इसको ये जो नीचे डबल डी रिंग दिया गया है उस रिंग के अंदर, जैसे आप बैग पहनते हो बैग में जो बकल होता है उस बकल में जिस तरह से रिंग को डाला जाता है उस तरह से इसको उस लूप के अंदर में डाल के टाइट कर सकते हो। इसके बाद है एक प्लेन, ऐसा एक प्लेन लूप आता है जिसको अगेन इस बैग का इस तरफ टू बकल्स दिया गया है, दोनों बकल के अंदर डाल के पीछे से टाइट कर सकते हो, तो पीछे से भी टाइट है सामने से भी टाइट हो चुका है, परफेक्टली फिटिंग हो चुका है। तीसरा आएगा, इस बैग को इतना फिल करने के बाद अगर आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा आइटम है उसके लिए क्या करना है,
एक एग्जांपल के लिए अगर ये मैक है, मैं इस बैग के साथ लेके जा सकता हूँ, तो इस बैग के ऊपर रख सकता हूँ और उसको बांधने के लिए भी इन लोगों ने ऐसा दो स्ट्रैप दिया है। हमें बस कितना करना है, इसको लेना है, यहां आपको लूप्स दिया गया है, उस लूप के अंदर कुछ इस तरह से डालना है। इस लूप के अंदर कुछ इस तरह से डालना है और फिट हो गया। सेम इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब बैग के ऊपर भी और सामान लेके जा सकते हो। अब ये बैग तो फिल हो गया, इसको मुंह कैसा करना है, लेके कैसे जाना है, तो इसके लिए हमें साइड का दो हैंडल दिया गया है जिसको पकड़ के आप इसको लिफ्ट कर सकते हो, या हर जगह तो ऐसा पकड़ के नहीं जा सकते। तो वैसे सिचुएशन में जब आप कहीं होटल जाते हो या इस बैग को कहीं कैरी करना है, तो इन लोगों ने दूसरा ऑप्शन ये दिया है, ये बैग जस्ट बकल को लिया, इसको आप इस तरह भी लेके जा सकते हो। हाँ, भारी रहेगा पर एटलीस्ट काम तो हो जाएगा। अब यही रीजन था जिसकी वजह से मैंने इस बैग को इस ट्रैवल के लिए सेलेक्ट किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो।